अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सीख कबाब बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीख कबाब के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए बीफ का कीमा 1 kg, उसके बाद हमें चाहिए टमाटो पेस्ट, कुटी हुई प्याज, बारीक कुटी हुई हरी मिर्चें और ऑयल, कुटी हुई लाल मिर्च, बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी। यहाँ पर मैंने ज़ीरे को कूट कर थोड़ा सा भून लिया था। और अगर आप अपने कबाब में स्पाइस ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप मेरी तरह यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं, और अगर आप कम स्पाइस खाते हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अपने कबाब का मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और उसके अंदर कीमा डाल देना है। अब हम इस कीमे के अंदर 2 tablespoons लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 tablespoons ज़ीरा ऐड करेंगे। एक टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 3 tablespoons धनिया पाउडर, 1/2 tablespoon हल्दी, 1.5 tablespoon पिसी हुई लाल मिर्च, 1 tablespoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 tablespoon नमक, 1/2 bowl बेसन, 1 adad बारीक कुटी हुई प्याज, 4 to 5 adad बारीक कुटी हुई हरी मिर्चें, 1 adad टमाटो पेस्ट, 1 sub cheese को एक साथ ऐड करके अब हम अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर 2 tablespoons ऑयल डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अपने कबाब की शेप बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों की मदद से इसे अच्छे से इस तरीके से रोल कर देना है आपने। मैंने यहाँ पर स्टिक यूज़ की है, आप चाहें तो सीख भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी शेप दे देनी है।
आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के कबाब भी रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, लेकिन फ्राई करने से पहले मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद निकाल कर इन्हें फ्राई करूंगी। आधा घंटा हो चुका है, अब हम अपने कबाब को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल लेंगे 2 से 3 चम्मच और उसे गरम कर देंगे। ऑयल ऑलमोस्ट गरम हो चुका है, अब हम इसमें अपने कबाब फ्राई करने के लिए रख देंगे। याद रखिएगा, सीख कबाब हमेशा शैलो फ्राई होते हैं, इन्हें हम डीप फ्राई नहीं करते, इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है। ये हल्के हल्के फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें पलट देंगे। जब कबाबों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम इसे ढक देंगे और स्टीम में फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये दिखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में ये इससे भी ज़्यादा टेस्टी होंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।